स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। देखिए इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तारीख को लेंगे और वह कौन सा दिन था इसको हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए समझते हैं, पहले हम बेसिक तथ्य को समझते हैं। देखिए बेसिक तथ्य क्या है कि हमारा दिन ज्ञात करना है तो अतिरिक्त दिन लेकर चलेंगे। अतिरिक्त दिन अर्थात सप्ताह जो होता है 7 दिनों का, उसके बाद कितने अतिरिक्त दिन होते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक साधारण वर्ष जो होता है वह 365 दिनों का होता है और 365 दिन में जो होते हैं वह कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, जब इसे 7 से भागा देंगे तो 7 × 5 = 35, 1 × 7 = 14, यानी आपका एक शेषफल बचेगा। यानी आप कहेंगे कि एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होते हैं। और लीप वर्ष जो होता है वह 366 दिनों का होता है, अर्थात 366 में जब 7 से भागा देंगे तो एक लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 2 अतिरिक्त दिन होंगे। तो चलिए अब ये तथ्य आप समझ गए कि एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो आइए हम एक शताब्दी वर्ष को लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 तक में कितने अतिरिक्त दिन है इसको हमको निकालना है। तो हम देखिए शॉर्ट पढ़ाएंगे लेकिन हम बेसिक आपको क्लियर करा देते हैं। पहले हम 100 वर्ष की बात करें। देखिए एक शताब्दी वर्ष में जो होते हैं तो 100 अतिरिक्त दिन तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ 100 अतिरिक्त दिन क्यों होंगे, क्योंकि हम सभी को साधारण वर्ष मान लिया। उसके बाद 100 वर्ष में जो है 24 लीपी वर्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा 24 25 नहीं। 100वां वर्ष जो होता है वह 400 से विभक्त नहीं है, इसलिए वह साधारण वर्ष है। इसलिए आप कितने लीपी वर्ष होंगे, 24 लीपी वर्ष होंगे, अर्थात 24 अतिरिक्त दिन। तो 100 और 24, 124 में जब 7 से भाग देंगे, 7 × 7 और बचा ये 5 और फिर 7 × 7 = 49, यानी शेष कितना बचा, 5, यानी एक शताब्दी वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन होंगे। कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 5 अतिरिक्त दिन होंगे, ये भी आप समझ गए होंगे। यदि 200 वर्ष की बात करें, यानी 2 शताब्दी वर्ष की बात करें, लगातार 2 शताब्दी वर्ष की बात, तो 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन और 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन, अर्थात कुल मिला के 10 अतिरिक्त दिन। 10 में जब 7 से भागा देंगे तो 3 बचेगा, हम कहेंगे 3 अतिरिक्त दिन होंगे। उसके बाद यदि हम 300 वर्ष की बात करें तो 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15, अर्थात 15 में जब 7 से भागा देंगे तो 1 अतिरिक्त दिन होंगे। उसके बाद यहां पर फंसिए नहीं, 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 5 और तो 10, 5 और तो 15 और यहां 400 तक में 20, लेकिन 400वां जो वर्ष है वह भी क्या है, आपका लीपी वर्ष है। ध्यान रखिएगा कोई भी शताब्दी वर्ष में जब 400 से भागा लगता है तब लीपी वर्ष होता है, नहीं तो वह साधारण वर्ष होता है। तो ये एक हो गया, तो 20 × 1 = 21, यानी 7 से पूरा पूरा विभक्त है, यानी ये 0, यानी यहां तक एक भी अतिरिक्त दिन मेरा नहीं बच रहा है। ये चीज क्लियर हो गया हमारा। अब यहीं से यदि आपको कहेगा 500 में कितने अतिरिक्त दिन होंगे तो 400 तक गायब कर दीजिए, कितने गायब कर दीजिए, 400 तक गायब कर दीजिए, बचेगा कितना, 100, तो 5 अतिरिक्त दिन होंगे। 600 की बात होगी तो 200 को लेकर चलेंगे। 1900 की बात होगी, ध्यान रखिएगा 1947 है, 1900 की बात होगी तो 400 तक में 0, 800 तक में 0, 1200 तक में 0, 1600 तक में 0, तो भैया बचा उधर कितना, 300, तो 300 तक में कितने अतिरिक्त दिन, 1 अतिरिक्त दिन। चलिए आप इसको बेहतर समझ गए। अब आइए महीना की हम बात करें। देखिए जनवरी जो होता है ना, जनवरी आपका 31 दिनों का होता है, कितने दिनों का, 31 दिनों का। फरवरी जो होता है 28 या 29 दिन का होता है, यदि साधारण वर्ष वो चल रहा है तो 28 का, लीप वर्ष है तो 29 का। इसी तरह मार्च जो होता है 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर कितना, 31 दिन का होता है। तो यहां पर क्या होता है, यदि जनवरी 31 दिन का होता है तो 31 में 7 से भागा देंगे तो 3 अतिरिक्त दिन, कितने अतिरिक्त दिन, 3, यहां पर 0 या 1 अतिरिक्त दिन, यहां पर 3 अतिरिक्त दिन, क्यों 3, 31 में 7 से भागा दिया 7 × 4 = 28, 3 अतिरिक्त दिन, यहां पर 2 अतिरिक्त दिन, यहां पर 3 अतिरिक्त दिन, 2 3 3 2, यहां पर 3 2 और 3। हमें लगता है कि आप इसको बेहतर समझ पा रहे हैं, यानी जनवरी में कितने अतिरिक्त दिन, 3, फरवरी में, यदि वह
लीप वर्ष वाला है तो एक अतिरिक्त दिन और साधारण वर्ष है तो शून्य। अब आइए देखिए, जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो पहला दिन सोमवार था, ध्यान रखिएगा, यानी एक 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 मैंने एक जनवरी एक जिस समय कैलेंडर स्टार्ट हुआ वह सोमवार था। तो सोमवार यदि आएगा, सोमवार का कॉर्ड एक, मंगल का दो, बुध का तीन, बृहस्पति का चार, शुक्र का पांच, शनिवार का छह और ये रविवार का कितना शून्य हो। यानी आप इतना समझ गए। अब देखिए कैसे साधारण तरीके से, एक आसान तरीके से हम हल करते हैं। क्या कहते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो 1947वां तो चल रहा है, यानी 1940 तक पूरा पूरा क्या हो गया, कंप्लीट वर्ष हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर 1946 लेकर चलते हैं, जो कि आप आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए 1900 तक में कितने अतिरिक्त दिन, देखिए 400 और 400 का जो भी गुणज होगा, 400, 800, 1200, 1600, यानी 1600 तक में शून्य, 300 तक में कितने अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त दिन, तो हम एक लिखा, प्लस 46 है, 46 आदि साधारण वर्ष है तो 46 अतिरिक्त दिन होगा ही। साथ ही साथ 46 में 4 से भागा देते रहते 11 होता है, पूरा पूरा 11 होता है, शेष को हम लेकर चलेंगे नहीं। अर्थात 46 वर्ष में 11 वर्ष ऐसा होगा जो कि लिपी वर्ष होगा, चौथा वर्ष, आठवां वर्ष, बारहवां वर्ष, इस तरह से, यानी 11 और अतिरिक्त दिन होंगे। कितना? 11 और अतिरिक्त दिन। अब हम 1946 तक में कितना अतिरिक्त दिन हो गया हमने ज्ञात कर दिया। अब 1947 शुरू करते हैं, जनवरी में 3, फरवरी में 0, नहीं, जनवरी में 3, फरवरी में 0, तो आप इस तरह निकालिए। और अगस्त 15 अगस्त मतलब अगस्त को नहीं गिनेंगे, तो आप ऐसे कीजिए 3 और 3 6 2 8 3 11 11 2 13 13 3 कितना 16। यहां से हमने 16 ले लिया, यानी जुलाई तक में 16 अतिरिक्त दिन। पॉइंट क्लियर? और अब ध्यान दीजिएगा अगस्त में कितने अतिरिक्त दिन, 15 अतिरिक्त। अब यहां तक आप समझ गए, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हमको चूंकि 7 के अलावा कितना अतिरिक्त दिन है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये एक तो रहेगा जोड़, 46 में जब 7 से भागा देंगे 6 के 42, तो आपका 4 अतिरिक्त दिन बचेगा। यहां पर जब 11 में 7 से भाग देंगे तो 4 अतिरिक्त दिन बचेगा, यहां पर 2 अतिरिक्त दिन बचेगा और यहां पर 1, तो 4 2 6 1 कितना 7 गायब, 4 1 5 अतिरिक्त दिन बचा। कितना अतिरिक्त दिन बचा? 5। और 5 किसका कॉर्ड है? शुक्रवार है, तो हम कहेंगे 15 अगस्त 1947 को क्या था? शुक्रवार था, और जवाब देंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है, हम कहते हैं कि अभी ये जो 26 जनवरी हुआ, 26 जनवरी जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, कितने आसान तरीके से निकालते हैं। देखिए 2022 अर्थात 2021 कंप्लीट हो गया, 22वां चल रहा है, तो 2021 तक में, यानी 2000 प्लस 21 वर्ष तक में कितने अतिरिक्त दिन है, ध्यान दीजिएगा 2000 तक में 0 अतिरिक्त दिन होंगे। कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 0, 0। और 21 तक में ध्यान रखिएगा, 21 तक में 21 तो अतिरिक्त दिन होगा ही, 21 सत्या 21, इसको भी आप शून्य लिखिए, आसान हो जाएगा। और 21 तक में लीप वर्ष कितने हैं? 4 5 यानी 5 बार भागा लग रहा है, 5 लीप वर्ष होंगे, यानी 2021 तक में हमारे मात्र 5 अतिरिक्त दिन है। और जनवरी जो है शुरू ही हुआ है 26 जनवरी, यानी 26 तक में कितने अतिरिक्त दिन, तो आप देखिए 26 से 7 से भागा दिए 27 21, यानी 5 अतिरिक्त दिन, तो 5 5 10, और 10 में जब 7 से भागा देते हैं कितना बचता है 3, अर्थात आपका 3 अतिरिक्त दिन, 3 है बुधवार। तो अब की बार आप कैलेंडर पलटिए और देखिए 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, वह बुधवार था, आप टिक लगाएंगे। तो इस तरह जो है आपका आपका जन्म तिथि क्या है और वह कौन सा दिन था, आप अपना निकालिए और ज्ञात कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।